हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों की यूपीडब्ल्यूएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट नॉर्टर की क्लासेस चल रही थी, तो मैं आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करा रही थी। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें आप लोगों को पढ़ाया था कि क्या होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। उस वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था जो कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उससे रिलेटेड था। तो क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आज की वीडियो में इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि क्या होते हैं और इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले ये समझने के लिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, अगर हम ये समझ लें कि कैपिटल एग्जैक्टली क्या होती है या फिर जो आय होती है रेवेन्यू होती है वो एग्जैक्टली क्या होती है, तो हमारे लिए फाइंड आउट करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि कौन सी एसेट्स या कहाँ पर जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा वो कैपिटल आएगा नेचर में और कौन सा रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा। तो पूंजी की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल की बात करते हैं, तो आपको पता ही है किसी बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो कैपिटल क्या होती है? जो अर्थशास्त्री मानते हैं, इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि धन का वो भाग होता है जो अतिरिक्त धन के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि जब हम एक्स्ट्रा और ज्यादा पूंजी निर्माण करना चाह रहे हैं और ज्यादा किसी चीज में इन्वेस्ट करके उससे हम और ज्यादा रिटर्न प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो वहां पर जो भाग हम पूंजी का लगाएंगे या जो हम मनी उसमें लगा रहे हैं इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा पूंजी कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। अगर हम बात करें अकाउंटेंसी के उससे, तो जो हमारी संपत्तियां होती हैं और जो दायित्व होते हैं, यानी कि संपत्तियों का दायित्व पर जो आधिक्य होता है वही हमारी कैपिटल हो जाती है, पूंजी हो जाती है। आय की अगर हम बात करते हैं तो किसी एक निश्चित टाइम लिमिट में, एक निर्धारित अवधि, जो भी हमारी जो हम बिजनेस कर रहे होते हैं, जो भी हमारा कार्य होता है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर हम सेल कर रहे हैं तो उससे हमें भी कुछ हमको रिसीव होता है, उसे हम इनकम मान लेते हैं, तो ये हो जाती है हमारी इनकम। अब आते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होते हैं। इसको पहले भी मैं वीडियोज में आपको ब्रीफली समझा चुकी हूँ। ऐसे व्यय जो स्थायी संपत्तियों को खरीदने में, उसमें कोई भी वृद्धि करने में, यानी कि आप जब उसको परचेज करेंगे या फिर उसमें किसी भी तरह की इंक्रीमेंट हो रही है, बढ़ा रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, या फिर उनकी कार्यक्षमता में, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कुछ आप अल्ट्रेशन करवा रहे होते हैं, तो उस संबंध में जो कुछ भी आप एक्सपेंसेस करते हैं या आरएनडी में भी जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो सब हो जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आगे क्वेश्चन में जो आपके आएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं या उसमें वृद्धि कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाते हैं। अगर हम बात करें कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो ये स्थायी स्वभाव होता है, इनके फिक्स नेचर होता है, बार बार चेंजेस नहीं होती इन चीज़ों में, उपयोगिता दीर्घकालीन होती है, लॉन्ग टर्म यूटिलिटी देते हैं आपको, स्वरूप जो होता है दृष्टिगोचर यानी कि विजिबल होते हैं, आप देख सकते हैं कि हाँ ये एक्सपेंसेस किए गए हैं, क्योंकि कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस तरह के होते हैं कि आप बढ़ाने के लिए व्यवसाय को या व्यवसाय में ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके या डेली का जो बिजनेस चल रहा है वो आसानी से हो सके, तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे करते हैं जो आप नहीं देख पाते हैं, आपको नॉर्मली सामने से नहीं दिख रहे होते, लेकिन इसमें कोई आपने एसेट को परचेज किया, कोई मशीनरी परचेज करी तो वो विजिबल है, आप देख सकते हैं, टैंगेबल एसेट होती है। रेगुलर नहीं होते, नियमित रूप से नहीं होते रहते, यानी कि जो एक बार आपने एसेट खरीदी या मशीनरी खरीदी तो लॉन्ग टाइम के लिए हो जाती है, 10 साल है, 15 साल है, 5 साल है, कितने भी टाइम के लिए भी वो आपका चलती रहती है, तो क्या होता है बार बार जो है होते नहीं है, एक बार आपने एक्सपेंसेस करे तो लॉन्ग टाइम के लिए चलते रहते हैं। अनावर्तक स्वभाव के होते हैं, यानी कि रिपीटेशन नहीं होता है, बार बार करने वाले नहीं होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उससे क्वेश्चन भी बनता है कि व्ययों को चिट्ठे में संपत्ति की ओर, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं उसको जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं उसे एसेट साइड में दिखाया जाता है, क्योंकि जैसे एसेट आपने कोई परचेस करी है तो अब आपकी क्या हो जाएगी, एक एसेट की तरह बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं, तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट, इससे क्वेश्चन बनता है। तो ये हो गए आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि आपके डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और वो पूंजीगत व्यय ही माने जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होते हैं, जैसे कि परचेजेस ऑफ मशीनरी एंड फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर या मशीनरी को जो क्रय करने पर एक्सपेंस किए जाएंगे, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग यानी कि बिल्डिंग की जो लागत होगी, ट्रेडमार्क की लागत जो होगी कॉस्ट आती है, कॉपीराइट की जो कॉस्ट आएगी, पेटेंट एंड पैटर्न की कॉस्ट जो होती है, मशीन की स्थापना के जो मैंने बताया था, इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होते हैं वो भी, किसी आविष्कार पर यानी कोई इन्वेंशन किया गया है तो उस पर जो एक्सपेंसेस आते हैं, या फिर भवन मशीन फर्नीचर को बढ़ाने में
जो उसमें इंक्रीज किया जा रहा है उसको, उससे जो एक्सपेंसेस आएंगे, मोटर कारें भार वाहन की लागत यानी कि जो कार्स वगैरह पर जो कॉस्ट आती है वो हो जाएगा, पट्टा संपत्ति की लागत यानी कि कोई लीज पर ली गई है एसेट तो उसकी भी जो कॉस्ट आ रही है, गुडविल की लागत है यानी कि जो कॉस्ट ऑफ गुडविल है, बिजली एवं पंखों की फिटिंग की लागत, फुट औजारों की लागत, ये सारे जो होते हैं क्या हो जाएंगे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कहेगा कि किस तरह का है, कैपिटल है या फिर डिफर्ड है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अभी आगे हम समझेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी, तो यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं आयगत व्यय पर कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। तो जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आयगत व्यय होते हैं, वो किस तरह के होंगे कि जो भी बिजनेस आपका है उसको रेगुलर ऑपरेट करने में, उसको संचालित करने में जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं कि सही ढंग से आपका बिजनेस चलता रहे, तो वहां पर उसके ऑपरेशन में जो कुछ भी आप एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं वो सब माने जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो सारे एक्सपेंसेस जो कि आप गुड्स होते हैं या जो व्यावसायिक माल आप परचेस कर रहे होते हैं उसके में किसी भी तरह का कोई चेंजेस करके या उसमें परिवर्तन करके जो आप मार्केट में उसको वापस से सेल कर रहे होते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो आएंगे वो हो जाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो व्यापार चलाने में सामान्य रूप से व्यय की जाने वाली राशियां होती हैं, यानी कि बिजनेस को रन करने में जो आप जनरली एक्सपेंस करते हैं वो राशियां जो होंगी वो इसमें आ जाती हैं। दूसरा हो जाता है कि ये अल्पकालीन होते हैं, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होते हैं, वो आपकी लॉन्ग टर्म से थे शॉर्ट टर्म, क्योंकि बार बार रेगुलर आप उनको करते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। फिर आता है कि बार बार किया जाता है, वही जो मैंने भी बोला। फिर आ जाता है कि स्थायी संपत्तियों की कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए, यानी कि सही ढंग से वो काम करती रहे, जो फिक्स एसेट्स हैं तो वहां पर उसके लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो भी इसी में शामिल किए जाएंगे। फिर आ जाता है कि लाभ उपार्जन शक्ति को बनाए रखना, यहाँ पर मतलब ये है कि बनाए रखना, वृद्धि नहीं की जा रही है कोई, उसको इंक्रीज नहीं किया जाता किसी तरह से, इतना ध्यान रखा जाता है कि जितना अभी हमारी क्षमता है, जितना एफिशिएंसी के साथ कार्य किया जा रहा है उतनी ही एफिशिएंसी बनी रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जिस तरह से जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर थे उसको आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाते थे, लेकिन जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उसको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं उसमें दिखाया जाता है डेबिट साइड में। तो ध्यान में रखिएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आते हैं। कहीं पर आपको क्वेश्चन में नहीं भी समझ में अगर आ रहा है कि ये किस तरह का एक्सपेंस है, तो आप इस बात का भी ध्यान दे सकते हैं वो एक्सपेंस कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है या फिर आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहां पर दिखाया जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जहाँ आपको कंफ्यूजन होती है कि किस में जाएगा, तो वहां पर आप इस तरह से भी आंसर को निकाल सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप आसानी से जान जाएंगे कि कौन सा एक्सपेंडिचर है। मजदूरी एवं वेतन यानी कि सैलरी या फिर वेजेस, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होते हैं, जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं, जो रेंट होगा यानी कि फिर कमीशन दिया गया है, या फिर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, या फिर जो इंस्टॉलमेंट आपकी जो दी जाती है बीमा किस्त, इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट, डाक उतार के व्यय, या फिर निर्माण संबंधी किसी चीज के मैन्युफैक्चर से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हैं, या बिजनेस के लिए अगर रॉ मटेरियल को परचेस किया जा रहा है, या फिर स्थायी संपत्ति का ह्रास, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखिएगा, अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे कि फिक्स एसेट से रिलेटेड डिप्रिसिएशन है तो आप ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेंगे, लेकिन ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको ध्यान में रखिएगा, जो ऋणों पर ब्याज है और पूंजी पर ब्याज है दोनों को ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही माना जाता है। अग्नि से तथा अन्य प्रकार के माल नष्ट हो जाने की हानि, अगर फायर लॉस हो गया है या किसी तरह का कोई गुड्स है जो फायर से लॉस हो गए हैं उसको भी इसी में ही रखा जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। स्टोर्स है, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, या फिर जो कॉपीराइट होता है उसको नवीकरण कराने के लिए, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा तो दोबारा से आपको उसे रिनोवेशन कराना होता है, तो दोबारा से आपको उसका नवीकरण करवाना होता है, उसमें भी रिन्यू कराना होता है, उसके भी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएंगे। या फिर जो सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, बिक्री के संबंध में जो व्यय होते हैं वो सब भी। तो आपने एक चीज ध्यान दी होगी या नोटिस किया होगा कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसको ज्यादातर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही माना जा रहा है या रेवेन्यू एक्सपेंसेस में ही वो आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हैं वहां पर ज्यादातर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वही दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। आइए एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो स्थगित आयगत व्यय है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो क्या होंगे। उसकी कभी कभी क्वेश्चन में कुछ इस तरह के भी पॉइंट्स पूछ लेता है जहाँ पर हमारा आंसर जो होता है वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। देख लेते हैं कि ये क्या रहेगा।
कि कुछ ऐसे व्यय होते हैं या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बाई नेचर तो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होते हैं, लेकिन क्या रहेगा कि उनकी जो यूटिलिटी होती है, उनकी जो उपयोगिता होती है वो कई वर्षों तक चलती रहती है। यानी कि उससे जो यूटिलिटी मिलती है, उपयोगिता मिलती है, वो कई वर्षों तक मिलती रहती है, इसलिए उसको स्थगित आयगत व्यय माना जाता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। किस तरह से इसकी अकाउंटिंग की जाती है, किस तरह से इसको दिखाया जाता है, जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, तो उसमें जो पहला वर्ष होता है यानी जो फर्स्ट ईयर रहता है, तो इसकी कुछ राशि जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाई जाती है, और बाकी की जो राशि होती है उसे बैलेंस शीट हम बनाते हैं उसके एसेट साइड में दिखाते हैं, संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। और अगले वर्ष जो नेक्स्ट ईयर आएगा, फिर इसकी कुछ राशि जो होगी वो लाभानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, जितना हमारे पास बैलेंस आएगा फिर चला जाएगा आपका बैलेंस शीट में। इस तरह से हम इसे तब तक आगे लेकर जाते रहेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से आपके रिटर्न डाउन नहीं हो जाते हैं, यानी कि अपलिखित नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो एक्सपेंसेस हो जाते हैं आपके स्थगित आयगत व्यय। अब ये एक्सपेंसेस होते कौन से, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। तो अंशों के निर्गमन पर व्यय, यानी कि जो भी आपने इशू किए हैं शेयर्स, उसके इशू करने पर जो एक्सपेंसेस होते हैं, जिसे फ्लोटिंग एक्सपेंसेस बोला जाता है, वो आ जाएंगे। व्यय पत्रों के निर्गमन पर व्यय, या फिर जो अभिभावकों को दिया जाए कमीशन, जो अंडररैटर्स कमीशन होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट पर किए गए ऐसे एक्सपेंसेस जिनका प्रॉफिट जो है वो कई वर्षों तक मिलता रहेगा, या फिर जो ऋण पत्र होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, या फिर जो शेयर्स होते हैं उनमें किसी, उनमें जब हम निर्गमन कर रहे होते हैं, उनको जो इश्यू कर रहे होते हैं, अगर कोई डिस्काउंट होता है तो वो ये हो जाएगा आपका डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं और देखते हैं कि अभी जो हमने पढ़ा है वो कितना हमें अच्छे से समझ में आया है। आप लोग भी क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोग के करेक्ट हुए हैं। आइए इसके एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। इससे फर्स्ट क्वेश्चन है, अचल संपत्ति की खरीद पर भुगतान की गई दलाली को डैश माना जाता है। ब्रोकरेज पेड ऑन द परचेजेस ऑफ द फिक्स्ड एसेट इज ट्रीटेड एज डैश। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीव्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीव्ड। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फिक्स एसेट होती है, जब उसको हमने परचेस किया है, तो उसको परचेस करने पर अगर हमने किसी तरह की कोई ब्रोकरेज दी है, पेमेंट किया है ब्रोकरेज का, तो उसको क्या कहा जाएगा या वो किस तरह का एक्सपेंसेस माना जाएगा? राजस्व व्यय माना जाएगा, आयगत व्यय माना जाएगा, आयगत प्राप्तियां होंगी, या फिर पूंजीगत व्यय होगा, या फिर पूंजीगत प्राप्तियां होंगी। तो क्या हो जाता है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, यानी कि पूंजीगत व्यय होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि किसी भी जो अचल संपत्ति यानी जो फिक्स एसेट होती है, स्थायी संपत्ति होती है, उसको जो हम परचेस कर रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं वो सब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत व्यय का उदाहरण नहीं है, विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ इंटैंगिबल एसेट, परचेजेस ऑफ फर्नीचर, वेजेस, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा आपका जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक एग्जाम्पल नहीं होगा। तो जो अमूर्त संपत्ति की लागत होती है, इंटैंगिबल एसेट की कॉस्ट होती है, वो तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, और जो फर्नीचर का क्या है यानी कि परचेजेस ऑफ फर्नीचर, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। लेकिन जो वेजेस होती है, मजदूरी होती है, या फिर अगर सैलरी दे रखी होती तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, वो हो जाएगी वेजेस। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयगत व्यय किया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंक्लूड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ एन एसेट, टू बाय ए फिक्स्ड एसेट, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो आयगत व्यय किया जाता है वो किससे रिलेटेड है या किस लिए किया जाता है, कि जो विकास या अनुसंधान के कार्य है उनके लिए, या फिर जो कोई संपत्ति है उसकी दक्षता को बनाए रखने के लिए, या फिर जो अचल संपत्ति है उसको क्रय करने के लिए, खरीदने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको पता ही है जो आरएनडी होगा वो भी जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो आप फिक्स एसेट को बाई कर रहे होते हैं तो वो भी आपका किस में जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। तो यहाँ पर जब आप किसी एसेट की दक्षता को, उसकी एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं तो वो जाते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे व्यय जो आयगत प्रकृति के होते हैं पर उनकी उपयोगिता कई वर्षों तक प्राप्त की जाती है कहलाते हैं। डैश रिफर्स टू दोज एक्सपेंसेस विच विल बी इनकर्ड इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड, बट द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंसेस विल बी एप्लीकेबल ओवर सेवरल अकाउंटिंग पीरियड्स।
कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन कह रहा है कि इस तरह के एक्सपेंसेस हैं जो आपके नेचर में तो रेवेन्यू होते हैं लेकिन उनकी जो उपयोगिता यूटिलिटी है वो कई वर्षों तक मिलती रहती है, कई सालों तक मिलती रहेगी, तो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करिए, मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको समझाया है अभी, तो इसका आंसर आप मुझे जल्दी से कमेंट करिए कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक खाते और लाभहानि खाते में किसे दिखाया जाता है, विच इज शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ए एंड बी, बोथ, नन ऑफ दीज। मैंने पहले आप लोग को बताया था कि बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, किधर दिखाते हैं, जो एसेट साइड होता है वहां पर, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दिखाया जाता है, वो हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आयकर से। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश और अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि डैश का एक उदाहरण है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीव, कैपिटल रिसीव, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में कह रहा है कि निवेश जो आपके इन्वेस्टमेंट होती है या फिर जो अचल संपत्तियां फिक्स एसेट होती हैं उनको सेल किया गया है, तो उससे जो राशि मिली, अमाउंट मिला है, वो किस तरह का रहेगा, या वो कैपिटल का नेचर है या फिर रेवेन्यू नेचर का है। तो यहाँ पर अचल संपत्तियों की अगर हम बिक्री कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को हम जो सेल कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हो जाता है, तो किस तरह का हो जाएगा, वो कैपिटल रिसीप्ट होगा, पूंजीगत प्राप्ति होगा। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ टूट फूट के कारण अचल संपत्तियां हर साल अपने मूल्य का कुछ हिस्सा खो देती हैं। अचल संपत्तियों पर ऐसी कमी को डैश कहा जाता है। फिक्स्ड एसेट्स लॉस पार्ट ऑफ देयर वैल्यू एवरी ईयर ड्यू टू वेयर एंड टियर विद पैसेज ऑफ टाइम, सच रिडक्शन इज कॉल्ड डैश ऑन फिक्स्ड एसेट। डिप्रिसिएशन, डिडक्शन, वेस्टेज, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे जैसे टाइम जो है होता जाता है, तो जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट होती हैं उनके वैल्यू में, उनके मूल्य में कुछ कमी आती जाती है, तो वो कमी क्या कहलाती है। तो आपको पता है वो कमी क्या होगी, वो डिप्रिसिएशन कहलाता है, ह्रास कहलाता है, या फिर मूल्य ह्रास भी इसे बोलते हैं। ओके, आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। किरायेदारों से प्राप्त किराया डैश का एक उदाहरण है। रेंट रिसीट फ्रॉम टेनेंट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीव, कैपिटल रिसीव, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर किराया मिल रहा है किरायेदारों से, तो किस तरह का आपका एक्सपेंसेस होते हैं या किस तरह की प्राप्ति होगी, तो जो रेंट रिसीव होगा वो हो जाती है आपकी रेवेन्यू रिसीव, यानी कि आयकर प्राप्ति होती है। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत व्यय किसे प्रभावित करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी रिफ्लेक्टेड इन डैश। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो किसे इफेक्ट करते हैं या किस पर इफेक्ट डालेंगे, या ये भी कह सकते हैं क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि कहाँ पर इसे दिखाया जाता है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उसे दिखाया जाता है, जो आप लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, क्योंकि जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वहां पर हम जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं उनको दिखाते हैं, लेकिन जो कैपिटल नेचर के होते हैं उनको हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में, क्योंकि जो हमारी एसेट्स होती हैं ज्यादातर उसको जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारी बैलेंस शीट होती है, या फिर जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है उसको रिप्रेजेंट करती है हमारी बैलेंस शीट, तो उसको भी हम वहीं पर दिखाते हैं, क्योंकि ये किस तरह के नेचर के होते हैं, लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास इसका एक उदाहरण है। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रियल एक्सपेंडिचर। जो हमारी फिक्स्ड एसेट होती हैं उन पर जो डिप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, तो डिप्रिसिएशन जो होगा वो किस तरह का या किस नेचर का एक्सपेंस होता है, आपको ये बताना है। ऐसा तो समझ में आ गया कि डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो वहां पर हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, लॉस भी हो सकता है, क्या है ये और किस तरह का है। तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करिएगा। आप लोग आंसर कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर किया करिए, कुछ ही बच्चे करते हैं, तो इस तरह का एक आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।